हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अप्लाइड रिसर्च के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में हमने बेसिक और फाउंडेशनल रिसर्च के बारे में पढ़ा था और होता क्या है ना कई लोग अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं बट दे बोथ आर डिफरेंट लेकिन कई साइंटिस्ट अप्लाइड रिसर्च के अंदर ही एक्शन एक्शन रिसर्च को इंक्लूड कर देते हैं मैं आपको दोनों समझाऊंगी आगे वाली वीडियोज में दोनों के डिफरेंस भी एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे ठीक है अप्लाइड रिसर्च इज़ अ टाइप ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन दैट इज़ कंडक्टेड विद द स्पेसिफिक गोल ऑफ सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और एड्रेसिंग रियल वर्ल्ड चैलेंजेस यानी कि जब हम लोग अप्लाइड रिसर्च करते हैं तो यहाँ पर हमारे दिमाग में एक गोल होता है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं ठीक है वी हैव दिस गोल इन अवर माइंड या फिर हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं कोई रियल वर्ल्ड चैलेंज है जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं ऐसे केस में हम लोग अप्लाइड रिसर्च करते हैं ठीक है अगर मैं बेसिक या फाउंडेशन रिसर्च की बात करूं, तो जहां पर हमारा गोल था कि हम बेसिक फंडामेंटल नॉलेज गेन करें हम किसी चीज़ के बारे में समझें सिर्फ उसको अपने आसपास के नेचुरल वर्ल्ड के बारे में समझें वो यहां पे नहीं होता है Applied research aims to take existing knowledge and use it to develop a practical solution. Applied research क्या करती है Existing knowledge पे focus करती है और practical solutions develop करने की कोशिश करती है या product develop करने की कोशिश करती है या services develop करने की कोशिश करती है अब हम लोग कुछ characteristics पढ़ेंगे applied research के ठीक है सबसे पहले है प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन अप्लाइड रिसर्च इज़ ड्रिवन बाय द नीड टू एड्रेस स्पेसिफिक प्रॉब्लम और चैलेंजेस इन फील्ड सच एज इंजीनियरिंग मेडिसिन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस तो जब हम लोग अप्लाइड रिसर्च करते हैं ना तो यहाँ पे हमारा फोकस जो है हमारी जो नीड है वो ये है कि कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम अगर है कोई चैलेंजेस अगर हैं तो हम उसके साथ डील कर सकें और किस फील्ड में इंजीनियरिंग हो गई मेडिसिन हो गई एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बिजनेस इन सभी फील्ड में हम लोग इस पर वर्क करने की कोशिश करते हैं रिसर्चर्स इन अप्लाइड रिसर्च प्रोजेक्ट वर्क विद द इंटेंट ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन टू प्रैक्टिकल इशूज़ यानी कि जो इशूज़ चल रहे हैं अगर हमें लग रहा है कि ये इशूज़ करंट इशूज हैं या फिर कोई प्रॉब्लम्स है या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं देखिए बेसिक में क्या था बेसिक में हमारा फोकस इस बात पे था कि सम हाउ वी वर प्लानिंग कि बेसिक रिसर्च के अंदर हम लोग कोई एक फंडामेंटल नॉलेज को गेन करने की कोशिश कर रहे थे चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ पे हमारा जो फोकस है वो किसके ऊपर है आवर फोकस इज़ ऑन कि हम कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिकल इशूज़ जो है उनका पता लगाएं उनको सॉल्व करें इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन The primary objective of applied research is to produce result that can be directly applied to real world situation. जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है अप्लाइड रिसर्च का वो ये होता है कि ऐसे रिजल्ट प्रोड्यूस करना इस तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस करना जिसको हम रियल वर्ल्ड सिचुएशन में डायरेक्टली अप्लाई कर सकें ठीक है फिर से सुनिए कि अगर कोई भी चीज़ निकलती है कोई चीज़ फाइंड आउट होती है तो हम उसको अभी के अभी रियल वर्ल्ड सिचुएशन पे अप्लाई कर दें यहाँ मेरा कोई जो गोल है वो कोई थ्योरी डेवलप करना बेसिक नॉलेज डेवलप करना नहीं है मैं कोई करंट प्रॉब्लम या फिर कोई प्रॉब्लम जो हो सकती है उसको सॉल्व करना चाहती हूँ इसमें हो सकता है कि अभी जैसे सपोज आपने देखा होगा कितनी सारी नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो काम पहले बिल्कुल बेसिक लेवल पर होते थे अब नई टेक्नोलॉजी से ईजी हो रहे हैं तो ये ऐसा नहीं है कि नई टेक्नोलॉजी मैंने अपनी फाउंडेशन लेवल के लिए बनाई है नहीं आजकल की जरूरतों को देखते हुए मैंने नई टेक्नोलॉजी ढूंढी तो वो एक आपकी किसका पार्ट है अप्लाइड रिसर्च का पार्ट है जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं जैसे पहले फोन आए थे ठीक है तो पहले नॉर्मल फ़ोन होते थे फिर हल्का बहुत टच वाले आए फिर बहुत अच्छे टच वाले फ़ोन आए तो हमने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को नीड को देखते हुए लोगों की हमने उसको चेंज कर दिया एंड नई नई इनोवेटिव वेज ढूंढ ली कि ताकि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सके ठीक है गोल ओरिएंटेड होती है अप्लाइड रिसर्च ये याद रखिएगा जो भी अप्लाइड रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं उनके पहले से अपने गोल्स होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं रिसर्चर्स क्या करते हैं उन स्पेसिफिक आउटकम्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं एंड ये भी देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट है वो कितना सक्सेसफुल रहा किस बेसिस पे देखता देखते हैं कि गोल्स कितने उनके पूरे हुए तो वो प्रोजेक्ट की सक्सेस को इस तरह से नापते हैं कि जो गोल है वो कितना अचीव हो पाया शॉर्टर टाइमलाइन अप्लाइड रिसर्च टिपिकली हैज अटर टाइम लाइन देन बेसिक रिसर्च जो आपकी अप्लाइड रिसर्च होती है ना उसकी टाइमलाइन कम होती है मतलब बेसिक रिसर्च में हो सकता है बहुत टाइम लगे बिकॉज सपोज अगर हम कहते हैं कि, कि किसी भी साइंटिस्ट ने कोई थ्योरी दी या कोई डिस्कवरी करी तो उस टाइम पे उनके पास बहुत टाइम था वो टाइम था मतलब उनको उस रिसर्च के लिए बिल्कुल रॉ से स्टार्ट करना था आप समझ रहे हो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना था ग्राउंड लेवल पर वर्क करना था लेकिन अगर आप अप्लाइड रिसर्च की बात करते हो तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर भी पूरी मेहनत करनी है लेकिन आपके पास पहले से सपोज मैं आपको फ़ोन का एग्जाम्पल देती हूँ आपके पास एक फोन है आपको पता है कि फोन की टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है अब आपको टच आपको की से जो की होता है उससे आपको पूरी तरह से टच पे जाना है तो ये जब फोन बनाया गया था तब ये कौन सा था फंडामेंटल बेसिक रिसर्च था लेकिन जब आप इस फोन में ही एडवांसमेंट ला रहे हो आज की जरूरतों को देखते हुए तो वो आपका अप्लाइड रिसर्च हो गया तो इसमें ना इसके अंदर टाइमलाइन थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू द बेसिक रिसर्च ठीक है यहां पर हमारा जो फोकस है वो ये है कि फटाफट से रिजल्ट प्रोड्यूस करने हैं और प्रैक्टिकली यूज करने हैं इसमें हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं प्रोटोटाइपिंग की पहले हम कोई तरीका निकालेंगे फिर देखेंगे वो कैसा काम कर रहा है फिर फील्ड में देखेंगे कि किस तरह से काम कर रहा है सो लोग वो में वो चीज बांटेंगे कि देखो कैसा अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है सो ऑल दीज थिंग्स आर डन एंड इसके लिए थोड़ा कम टाइम मिलता है कोलेबरेशन विद इंडस्ट्री अप्लाइड रिसर्च ऑफ़न इन्वॉल्व कोलेब्रेशन बिटवीन रिसर्चर्स एंड इंडस्ट्री पार्टनर्स और ऑर्गेनाइजेशन विद्रस्ट इन द प्रैक्टिकल अपलिकेशन ऑफ द रिसर्च अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है ना कोलाब्रेशन होता है किसके बीच में रिसर्चर्स के बीच में जो इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं अलग अलग इंडस्ट्री के लोग होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है जिन सब का इंटरेस्ट किस में होता है रिसर्च में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में होता है कि किसी तरह से हम काम कर सकें दिस collaboration कैन हेल्प इंश्योर दैट द रिसर्च रिजल्ट आर relevant टू द नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री ये जो कोलाब्रेशन होती है ना ये इंश्योर करती है पक्का करती है कि जो भी रिसर्च रिजल्ट आएंगे वो नीड ऑफ़ द इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग रेलिवेंट होंगे क्या होंगे नीड ऑफ द इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग रेलिवेंट होंगे उसके बाद है एग्जाम्पल्स अप्लाइड रिसर्च कैन टेक मेनी फॉर्म्स फॉर इंस्टेंस फार्माक्यूटिकल कंपनीज कंडक्ट अप्लाइड रिसर्च टू डेवलप न्यू ड्रग्स एंड ट्रीटमेंट फॉर मेडिकल कंडीशन इसने ये बोला कि जो अप्लाइड रिसर्च है वो कई तरीके से हो सकती है जैसे कि जो फार्माक्यूटिकल्स कंपनी होती है ना वो अप्लाइड रिसर्च कंडक्ट करती है ठीक है क्यों जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसी को यूज़ करके हम नए नए ड्रग्स फाउंड करना चाहते हैं ट्रीटमेंट करना चाहते हैं मेडिकल कंडीशनस की ठीक है हम इंजीनियर्स क्या करना चाहते हैं इंगेज होना चाहते हैं अप्लाइड रिसर्च में ताकि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट एनर्जी सिस्टम डेवलप हो मतलब हम चाह रहे हैं कि जो फील्ड में हम हैं उसमें और तरक्की करें हमारी परफॉर्मेंस और बेटर हो एग्रीकल्चर रिसर्चर्स कंडक्ट करते हैं अप्लाइड रिसर्च ताकि बेटर अच्छी क्रॉप वेराइटीज बने सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस आए ठीक है उसके अलावा आ गया फीडबैक लूप अप्लाइड रिसर्च ऑफन इन्वॉल्व अ फीडबैक लूप वेयर रियल वर्ल्ड टेस्टिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग कैन लीड टू अ रिफाइनमेंट एंड फर्दर ऑफ द रिसर्च देखिए अब यहाँ पे क्या होता है ना आपने रिसर्च करी आपने कोई प्रोडक्ट निकाला ठीक है आपने एक प्रोडक्ट का आउटपुट दिया आपने एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा अब यहां पर क्या होगा जब इसकी टेस्टिंग होगी तो कुछ लोग बोलेंगे अच्छा है कुछ लोग बोलेंगे ये कमियां हैं तो एक फीडबैक जनरेट होगा तो वो हर बार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जब आपकी जो रिसर्च है जब वो एक्चुअली में अप्लाई होने जाएगी तब आपको एक फीडबैक लूप मिलेगा कि कैसे चीजों को करना है क्या सही है वो सारी चीजें आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके समझ में आएंगी ठीक है तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो इट इज अबाउट अप्लाइड रिसर्च एक्शन रिसर्च भी इससे बहुत रिलेटेड है कई लोग एक्शन रिसर्च को अप्लाइड रिसर्च का ही एक ब्रॉडर कैटेगरी मान लेते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है मैं अगली वीडियो में कवर करूंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए रिसर्च इन एजुकेशन की एक अपने आप में यूनिट बनी हुई है वहां पे जाके आपको इसकी सारी वीडियोस मिल जाएंगी प्लेलिस्ट चेक कीजिए कि तो यू विल फाइंड मेनी यूजफुल वीडियोज़ देर ज़्यादा ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे आई यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो